नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रेट्स से, वायरस से, एडवेयर से, रैंसमवेयर से, बिना किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए, बिना किसी कॉस्ट को पे किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज बात कर रहे थे उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर। ये नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक्सपी वर्जन के लिए लॉन्च किया था। उस टाइम हमको ये एक अलग से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन आया, इसने ऑटोमेटिक इसके साथ इनबिल्ट इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड किया। अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल आपके पीसी में है तो विंडो डिफेंडर की फैसिलिटी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। बस आपको उसकी सेटिंग करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको फिर अलग से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे मैं विंडो डिफेंडर को ऑन करके सारे वायरस से या मालवेयर से मैं अपने पीसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इस सर्च में, और सर्च में जाके मैं यहाँ पर टाइप करूँगा विंडो डिफेंडर टाइप करूँगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है विंडो डिफेंडर सेटिंग। इस विंडो डिफेंडर सेटिंग को मैं सेलेक्ट करूंगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे प्रोटेक्शन एरिया। मैं किस एरिया को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, फायरवॉल। तो हम अभी बात कर रहे हैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन की, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अभी आप देखोगे कि विंडो डिफेंडर जो प्रोग्राम है वो अभी मेरे इसमें ऑन नहीं है। तो उसको ऑन करने के लिए हमको क्या करना है, पहला जो ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पर अभी क्रॉस का सिंबल है तो यहाँ पर नीचे एक बटन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसको स्लाइड करूंगा तो ये कंफर्मेशन मांगेगा और मेरा रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन हो गया है। सेम ऐसा अगर आपको क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन भी ऑन करना है तो इस बटन को आप ऑन कर लोगे। और लास्ट वन है कि अगर कोई बग्स आता है तो आप रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हो तो इस पर भी आपको क्लिक करना है। बस इतनी सिंपल सी स्टेप फॉलो करके आप अपने पीसी को, अपनी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपका अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर पाठशाला।